अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम शेयर करने वाले हैं अफगानी एग की रेसिपी, जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी और देखने में भी बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लगता है। अगर कोई सब्जी बनाने में समझ न आए तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज्यादा इजी है बनाना, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, जिसमें हमने शामिल कर दिया है 2 बड़ा चम्मच तेल। अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे, 2 तेज पत्ते हैं, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 दालचीनी और 2 हरी इलायची। थोड़े देर के लिए इसे हम क्रैकल होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज, 2 मीडियम साइज का प्याज है, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है और यहाँ पर हरी मिर्चें हमने ले लिए है 4, जो 2 टुकड़े में तोड़ लिया है। प्याज हमने बहुत रफली कट किया है, इसे बहुत ज्यादा फाइन कट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, अगर जो लहसुन है बहुत ज्यादा छोटी साइज का है तो आप 10 से 12 भी ले सकते हैं। अब इन सारी चीजों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और इसे कितना फ्राई करना है ये आपको हम आगे बताएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है और जो प्याज है बहुत ज्यादा नरम हो गई है, सारी चीजें बहुत ज्यादा नरम हो गया है, इसके ऊपर कलर नहीं आया है। इस पॉइंट पर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो प्याज है, लहसुन है, इसे हम बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इतना ज्यादा करेंगे कि सारी चीजें एकदम नरम हो जाए। तो अब यहाँ पर काजू शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने 10 से 12 काजू ले लिया है। अगर आपके पास टूटे हुए काजू हैं तो आप 2 बड़ा चम्मच ले लें और इसे आपको डालने के बाद सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आपको फ्राई करना है, क्योंकि काजू के ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने फ्राई कर लिया है और फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा करने के लिए इसे इसी तरीके से छोड़ देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 अंडे ले ली है, इसे हमने पहले से उबाल लिया था और इसके ऊपर आपको कट लगा देना है। आप चाहो तो जैसे भी कट लगा लो, कट लगाने से ये होता है कि जो मसाले हैं वो अंडे के अंदर तक अच्छे से जज्ब हो जाता है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा कट लगाया है, आप चाहो तो सीधा भी लगाओ या आप टूथ स्टिक से भी होल कर सकते हो। तो पूरा कट आपको नहीं लगाना है, इस बात का ख्याल रखना है, वरना अंडे टूट जाएंगे। तो ये देखिए, अभी आपको दिखाते हैं कि जो जर्दी है अंदर, वहां तक हमने कट नहीं लगाया है, बस हल्का हल्का ऊपर से कट लगाया है। तो इस तरीके से हमने तैयार कर लिया अंडों को। अब जो हमने प्याज लहसुन मिर्च को फ्राई किया था वो ठंडा हो चुका है, तो इसे हम एक जार में ट्रांसफर यहाँ पर कर लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे हरा धनिया। तो 1 मुट्ठी भर कर है हरा धनिया और इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 कप दही, एकदम गाढ़ा है। अगर आपके पास दही पतला है तो आप थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखें दही बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से आपको पेस्ट बना लेना है, बहुत ज्यादा बारीक पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर इसे हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है पैन, जिसमें 2 बड़ा चम्मच तेल शामिल किया है। इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम बाकी चीजें शामिल करेंगे। अगर पहले कर देंगे तो मसाले जल जाएंगे। तो यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच हमने हल्दी ले ली है, उससे भी थोड़ा कम आपको लेना है, और 1/2 छोटी चम्मच हमने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च लिया है, जो कलर वाली मिर्च होती है, और लो फ्लेम पर अंडे के साथ फ्राई कर लेंगे। मसाले हम यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अंडे के ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए। इसे हमने फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर एक पैन में 4 बड़ा चम्मच तेल ले लिया है और इसमें वो मसाले शामिल करेंगे जो हमने पीस के रखा था। सारे मसालों को अच्छे से हम डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको ख्याल रखना है, तेल बहुत ज्यादा आप गर्म करके डालते हैं तो बहुत ज्यादा छींटे लगेंगे। तो ख्याल रहे कि तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तेल हल्का गर्म हो तो आप मसालों को डाल दें। अगर आप तेल ज्यादा गर्म भी कर लें तो आप उसे थोड़ा ठंडा करने के बाद डालें, वरना छींटे बहुत ज्यादा लगने लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे मसालों को हमने डाल दिया है। इसे मीडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखिए,
इस तरीके से हमने मसालों को भून लिया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, टेक्सचर भी चेंज हो गया है। अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि छींटे ज़्यादा लग रहे हैं तो आप इसे कवर करने के बाद भी मसालों को भून सकते हैं। इसे चलाते हुए भूनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काजू है तो बॉटम में चिपकने का चांस होता है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले शामिल करेंगे। तो एक छोटी चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर ले ली है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया और नमक पसंद के मुताबिक, यानी धनिया का पाउडर। तो इन सारे मसालों को डालने के बाद लो फ्लेम पर भून लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे से 2 मिनट के लिए हमने भून लिया है। अब इसे हम कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे भून लेंगे। कवर करने के बाद हमने इसे भून लिया है। बीच बीच में आपको चलाते हुए भी रहना है और आप देख सकते हैं जो तेल है वो सरफेस पे दिखने लगा है। मसाले भी जल्दी भून जाते हैं अगर हम कवर करके भूनते हैं तो। तो इस तरीके से मसालों को आपको तैयार कर लेना है। मसाले तैयार हो चुके हैं तो जो अंडे हैं उसे हम शामिल कर देंगे। साथ में हमने यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम ले लिया है, इसे शामिल करना है। अगर आपके पास कोई क्रीम नहीं है तो दूध की मलाई है, आप उसे 2 बड़ा चम्मच यहाँ पर डाल सकते हैं। 1 मिनट के लिए अंडे के साथ इसे हम भून लेंगे। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। तो इसमें आप अपने पसंद के मुताबिक पानी शामिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, इसलिए अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 1 कप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर कसूरी मेथी शामिल कर दिया है। कसूरी मेथी को हमने पहले तवा पे गरम कर लिया था, उसके बाद ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ढक कर हमने सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने दिया है। और आप देख सकते हो अफगानी एक करी बनकर तैयार हो गई है। कभी ऐसा होता है कि घर में कोई तरह की सब्जी नहीं होती है और कुछ अच्छा खाने को मन करता है और लगता है कि वो चीज़ें जल्दी भी बन जाए, तो एक बार आप इस तरीके से अफगानी एग करी बनाकर तैयार कीजिए तो लोग बहुत चाव से खाएंगे। इसे थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हमने ऊपर से थोड़ा सा रोगन शामिल कर दिया है। ये देखिए अब इसका आप फाइनल रिजल्ट। तो एक बार आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, घर वाले आपके फैन हो जाएंगे अगर इस तरीके से एक करी बनाते हैं तो। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।